वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्मॉल डीसी मोटर पंप बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कैप चाहिए इस प्रकार का, आप कोई भी कैप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद हमें चाहिए एक डीसी मोटर, ये 6 वोल्ट का डीसी मोटर है। फिर इसके बाद हमें चाहिए एक पाइप का टुकड़ा, देख सकते हैं ये पाइप का टुकड़ा है। फिर इसके बाद हमें चाहिए एक मेटल सीट, इस प्रकार का मेटल सीट, छोटा सा मेटल सीट है। फिर ये लीड का टुकड़ा है पेन का। फिर इसके बाद हमें चाहिए एक छोटा सा स्क्रू, आप देख सकते हैं स्क्रू। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कैप पर यहाँ पर एक होल करना है, फिर एक होल हमको यहाँ पर करना है और एक होल हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए मैं होल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने होल कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने एक होल यहाँ किया है और एक होल मैंने यहाँ पर किया है और एक होल मैंने इसमें किया। तो अब इसमें हम अपना मोटर को फिट करेंगे। तो मोटर को फिट करके मैं इस पर ग्लूगन से चिपका देता हूँ। हमें इसको इस प्रकार से यहाँ पर चिपका लेना है। हम देख सकते हैं मैंने मोटर को यहाँ पर चिपका लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम पंप का प्रोपेलर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इसको लीड पर ऐसे सीट को कस देना है और उसके बाद इसे मोड़ देना। ये इस तरह से हो गया, बन गया वहाँ प्रोपेलर रेडी हो गया। और इसको हम अपने मोटर में लगाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको लगा देना। इस तरह से हमारा लग गया है और अब हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ा पंप रेडी हो गया और हमें इसमें यहाँ पर एक पाइप लगाना है। तो चलिए मैं इसको एक पाइप लगा देता हूँ। देखिए हमारा पंप रेडी हो गया और मैंने यहाँ पर इसे ग्लूगन की हेल्प से यहाँ पर चिपका दिया है। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं।